कुमरम भी मासिफाबाद जिले के शहर कागज नगर में कृष्णावनी टैलेंट हाई स्कूल के जेर एहतमाम कल 16 अक्टूबर 2022 बरोज एतवार सुबह 11 बजे मिस्टर लक्ष्मीपुरम वेणुगोपाल मोटिवेशनल स्पीकर के जरिए मुकामी पद्मशाली भवन में तलबा के लिए एक मोटिवेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें मेहमान खसूसी लक्ष्मीपुरम वेणुगोपाल रहे। आइए देखते हैं इसकी मजीद तफसील। मेरा नाम वेणुगोपाल लक्ष्मीपुरम, मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब जो है अंकल हाई स्कूल में टीचर का काम करते थे। बचपन में बहुत शरारत करता था मैं, तो वालिद साहब एक दिन मेरे को बुलाए कि एक ही बात बोले, वेणु को अगर ऐसा करने का अपनी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो अच्छा पापा मेरे को क्या करना है। फिर अब पढ़ाई के ऊपर तो मन लगा कि पढ़ तुमको अभी भलाई होगी, फ्यूचर में बहुत बढ़िया ज़िंदगी होगी। तो मैं बोला चलो पापा से मैंने बहस नहीं किया, पापा जो बोलते हैं तो अपना भलाई के लिए तो बोलते हैं करके, जो उस दिन से इतना पढ़ाई मैंने मन लगा कर की है और उसका जो रिजल्ट जो है अभी मिल गया मेरे को। तो हम बचपन में तो बहुत पूर्व लोग थे हम लोग, वो अपना नजर मंजिल करने रहते थे हम लोग दिन के लिए। तो मुझे पता है एक दिन का वक्त का खाना रहता था, दिन में एक ही वक्त का खाना होता था। और पिताजी जो है उस दिन जो बात किए ना, मैं 6 साल का था उस टाइम, तो कई लोग बच्चे जो होते हैं आजकल तो बड़ों का बात ही नहीं सुनते हैं। वो जब अच्छा सा एडवाइस देते हैं तो बोलते हैं कि भाई बड़ों का सुनने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आप सही ढंग से चलो, अपना ज़िंदगी में जो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो अभी उसका स्क्रिप्ट बनाना शुरू करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, एक ही ज़िंदगी मिलेगी। इस ज़िंदगी को हम रंगीन बनाने के लिए अपने तरफ से कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये लॉटरी नहीं है ज़िंदगी कि भाई सबको मिल जाए और ज़िंदगी में सक्सेस हो जाए, यहाँ नहीं। यहाँ तो अगर सक्सेस पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है और रोटी कमाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। ये हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी जो है हमारे साथ आगे ले जाएंगे। और अच्छा सा पढ़ाई कीजिए, मैं बच्चों को यही दरख्वास्त करता हूँ कि अच्छा सा पढ़ाई कीजिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, टीचर्स का इज्जत कीजिए, समाज का इज्जत कीजिए। और एक पिक्चर के चक्कर में मत पड़िएगा, ये मोबाइल फोन के चक्कर में मत पड़िए, ये मोबाइल गेम्स के चक्कर में मत पड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी मत देखो, टीवी देखो, कभी कभी मत देखो आधा घंटा एक घंटे के लिए, बस बाद में अपना ध्यान पूरा जो है पढ़ाई के ऊपर रखने से अपना परिवार का फ्यूचर भी अच्छा रहेगी, अपनी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो यही मेरी दरख्वास्त है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कृष्ण रेड्डी टैलेंट स्कूल जो सिरपुर कागज नगर के हैं साहब, मेरे को पहली बार जहाँ इन्विटेशन मिला है, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। तो NTPC तो मैं हमेशा आते रहता हूँ रामागुंडम, पर सिरपुर कागज नगर बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बच्चे अच्छा सा रिसीव किए मेरा प्रोग्राम जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे को। और मैं बच्चों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ सिरपुर कागज नगर कृष्ण रेड्डी टैलेंट स्कूल के बच्चों को, बहुत अच्छा लगा।